अब मेरे को ये बताइए कि मार थप्पड़ के मुंह घुमा दूंगी एक लप्पड़ हाँ, कसम खा सकता हूं मैं बोले इसको गाली दिया था नहीं आपको जिंदगी में इतना हंसी नहीं क्या अब बात हो रही है पैंट चोरी की पापा मम्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं तीन पैंट चुराई हुई है ओके सो देव योर सज्जनो वेलकम बैक टू माय चैनल बहुत दिनों के बाद आई एम अगेन एक्टिव और ब्लॉग चैनल से कुछ ना कुछ मैं कोशिश करके कंटिन्यू कर दूंगा और दीदी पिछले 2 महीनों से मुंबई नहीं है पिछले 2-2.5 महीनों से नहीं है सो अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और हम भी प्रॉब्ली कुछ रील शूट करेंगे और सो मैं फटाफट रेडी होऊंगा तैयार होऊंगा और उसके बाद जाऊंगा जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ मैं डाइट ले लूँ ये है बेसिकली ओट शेक दिस इज वेरी गुड फॉर जब आप बर्फ भी हो तो फैट वैट भी नहीं और अच्छा है बहुत बहुत गुड फॉर हेल्थ और टेस्टी भी होता है ओके सो अब मैंने अपना डाइट भी ले लिया है और मैं बिना कपड़े के इसलिए हूँ क्योंकि अब मैं तैयार होने जा रहा हूँ तो चलो टिकटॉक वाले तरीके से तैयार होते हैं ठीक है 3, 2, 1 हो गया मैं तैयार और अब चलते हैं फटाफट पूरा कमरा भी फैला हुआ है मेरा देखो सो मैं चला मैं सोच रहा हूँ कुछ लेके जाऊँ पर क्या लेके जाऊँगा वैसे भी वो कुछ खाती तो है नहीं मीठा मीठा भाई मैं लेके जाऊँगा मीठा मीठा तो नहीं खाएंगी वो ये मेरे को बोल देंगे कि डाइट चल रही है मेरी और खुद जा रहा कि पता नहीं चावल और पता नहीं क्या क्या सब खाती हैं आराम से तब डाइट वाइट नहीं चलता यार मुंबई में गर्मी इतनी नहीं है जितना बाकी जगहों पे पड़ रही है यहाँ तो फिर भी बहुत बहुत रिलीफ है कि इतने धूप में तुम चल पा रहे हो ह्यूमिडिटी यहाँ ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू अदर सिटी मुंबई बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे इस शहर को भी अपना बना लिया है मैंने और इस शहर ने भी मुझे अपना बना लिया ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैं जब मिठाई लेने के लिए बीच में रुका था रास्ते में तो मैंने प्रमाण के साथ इस वीडियो में ये बोला है कि मैं जब लेके जाऊंगा तो बोलेंगे कि नहीं मैं तो डाइट पर हूँ मैं ये नहीं खा रही हूँ मैं जिम जा रही हूँ और जब मैं यहाँ तो मेरे को बोल रही है सौंदेश खाबे हेलो चीट डे चलता है ये आज कौन सा चीट डे भाई लेकिन इतना कैलोरी बर्न किया तो कोई मतलब नहीं खाने का मम्मा ये कितना वो लगेगा मुझे जब तक मैं रहता हूँ मेरे को प्यार दिन भर अब ये आ गई मम्मी बोलो ना तो मुझे ठीक से बात भी नहीं किया अभी तक किससे जनता से क्या किया मैंने ब्लैक धागा कि जब तक दीदी नहीं रहती है तब तक मेरे पास रहती हैं दीदी आ गई तो ऐसा तुम जो धोखा दे के गए 6 बजे आएंगे मम्मी राय से तो मम्मी मेरे पास अभी बहुत काम है भगवान की दया से क्या बोला था मैंने कि सब अच्छा हो जाएगा कब से जल्दी अब मेरे को ये बताइए कि मार थप्पड़ के मुंह घुमा दूंगी इस घर में पिछले 1-1.5 साल पहले मेरा पैंट खोया था और वो भी मिला नहीं होगा मैं श्योर हूँ अच्छा ये पैंट ये तुम्हारा है देख लो मैं पैदा हुआ हूँ पैसा लेंगे हम तुमसे ढूंढे मेहनत करके दिखाइए पंखा चलाते थे ढूंढ के निकाल दिए है ना तो ज्यादा काबिल मत बनो ये है नहीं भी होगा तो भी रख लूंगा अच्छा लग रहा है मेरा भी लेके भागा कल पर नहीं अच्छा ये तुम्हारा है मेरा सारा देते जाओ तुम यहाँ था तीन पैंट ले जाते घर में रहने के लिए कितने प्यार से घुमा घुमा पता आपका बर्थडे आ रहा है अरे दीदी पर सच में इतना आप कभी सोच नहीं सकती 1.5-2 घंटे मेरे साथ मॉल में चली थी लेकिन नाइकी एयर चार बार तो आप याद दिला चुकी कि मेरा बर्थडे आ रहा है गिफ्ट चाहिए गिफ्ट याद दिलाए थे तुम्हारा तो तुम भी याद दिलाए थे दीदी नहीं आए चली गई बोला कि हम तो गिफ्ट दिलाए थे दीदी को मेरे मंदिर में चली गई हमको बहुत बुलाया गिफ्ट के चक्कर में मम्मी आ जाइए ना मम्मी आ जाइए फिर हम शर्मिंदा हो गए इतना बार बोला था ये बोले चल बेटा ऐसा आया था तो हम ओबेरॉय मॉल लेकर इसको और फिर हम बोले ले ले इतना थका दिया पूरे मॉल में और लास्ट में झटका अच्छा खासा अमाउंट कर दिया मैंने कितना प्यार से इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी दोस्तों और बेइज्जती होगी अरे माय ओ माय गॉड अब मैं जिंदगी में कोई बर्थडे पे गिफ्ट नहीं लूंगा अच्छा ये चप्पल बहुत अच्छा लग रहा है कोई गिफ्ट किया क्या आपको पैसा दे नहीं लिया था मैं पैसा एक लप्पड़ हाँ, कसम खा सकता हूँ नहीं लिया था ईमानदारी से आप लोग रिव्यू देना जब ये व्लॉग पड़ेगा तो कि मम्मी का ये जीन्स अच्छा लग रहा है या मेरा जीन्स अच्छा लग रहा है पर प्लीज ईमानदारी से बताना फिर मैं इनको दिखाऊंगा और फिर ये ऐसे लूज जीन्स पहनेंगे ठीक है 15 जून को दे देना गिफ्ट मुझे तब पहनेंगे अच्छा तुम पूरे इस व्लॉग में बस ये सुनना कि अपने बर्थडे का जिक्र कितनी बार करती हैं और इनडायरेक्टली कितना बार
मुझसे गिफ्ट मांगती हूँ कि तुम्हारे बर्थडे में तुमने मुझे वो पोपट बनाया था। हाँ, कुछ पोपट नहीं बनाया था, आप मुझे ले गई थी और अपनी मर्जी से दिलाई। तगड़ा बिल बनवाया था तुमने। नहीं तो जा रहे हैं माता श्री, हमें ले जा रहे हैं। तो गाली दिया था? नहीं, आपको बोला कि माता आगे बैठ जाओ ना क्या फिर। अब बताना ये चश्मा कैसा लग रहा है? ये दीदी ने मम्मी को गिफ्ट किया था और उस बीच में दो बार मम्मी मेरे से गिफ्ट मांग चुकी है बर्थडे का। देखते चलो क्या क्या होगा इस बीच। यही होगा कि तुमको ये एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है एक माँ को जब गिफ्ट नहीं दे सकते। मुझे ये एहसास होगा कि मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट दिलाया था और दो घंटे मेरे साथ पैदल चली थी। इस बात का एहसास मुझे तब तक होता रहेगा, गिफ्ट दे दूँ ना दूँ, जितनी बार मैं घर आऊंगा नजर से नजरें मिलेंगी हमारी, ये बात उठेगा। अरे यार ये लोग बेइज्जती कर दी मेरी। आइए दोस्तों खाते हैं हम पैनकेक। मैं अब सिखाऊं तुमको कि कैसे खाना है? यू डोंट नो यू नो नाइन यू डोंट नो सिक्स। ये देख मुझे अगर स्पून स्पून होगा तो मेरे हाथ में गंदा लग जाएगा। खिला दे देसी तरीका अपनाओ ना। मेरे को एक कॉल आ गई, ये लोग ऊपर चले गए और अब मुझे पता भी नहीं ये लोग ऊपर कहाँ गए। यार ये दीदी इतनी ज्यादा प्यारी है, मैं आज फोन नहीं उठाया उनका, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, देखो क्या कहाँ है रे, आज मिल ले नहीं तो अगेन आई एम गोइंग, क्योंकि पिछले दो बार से आ रही हूँ मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। हम आए हुए हैं यहाँ पे, कोई स्किन कंसल्टेंसी है, जस्ट चेकिंग माय स्किन हाउ इज इट, फिर मैं एकदम मस्त ग्लो अप करके दिखाऊंगा तुम सबको थोड़े दिन को। मैं स्टोरी डाल दूँ आपका पहचान कौन? अच्छा मैं इनके इमोशन, अच्छा ठीक। मेरे को जिंदगी में इतना हंसी नहीं है, इतना आना करीब क्या, अच्छा खराब होता। अगर इनका जुबान खुला होता, हाथ आज़ाद होता, आंखें खुली होती, अभी तो इतने चप्पल पड़े होते मेरे को, इतने थप्पड़ पड़े होते। अब ये उतरा और अब होगा महाभारत। She slept? नहीं, I'm sure, मैं जानता हूँ उनको। अभी देखना गाली देंगी सबसे पहले मेरे को, कह रहे इधर आ, देखा मैंने बोला। पिछले दो घंटे से बैठे बैठे मेरा शरीर थक चुका और अब मैं जाना चाहता हूँ। हम अब वापस घर जा रहे हैं क्यों? भाई मैं पैनकेक छोड़ के गया था, मैं पैनकेक खाऊंगा। मसला यह है कि इनको एक रील डालना है। रील दिखाई जरा अपना। नहीं दिखाऊं। अरे दिखाई दो। रील में क्या है कि ये कुछ नहीं कर रही, ऐसे कर रही। अब इस पर हमें POV कैप्शन डालना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको क्या करता हूँ। बाप रे पटना क्या चटा चट चटा चट। आप जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम एक वीडियो बनाएंगे, हाउ वेल डू वी नो ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, जिसमें से आप हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। तो मुझे लोगों को ये प्रमाण देना है कि मैं कैमरे के आगे प्यार नहीं दिखाता हूँ, मैं सच में प्यार करता हूँ। और सीरियसली अगर आप जीती तो मैं आपको H&M ले चलूंगा या ज़ारा ले चलूंगा। यू वुड हैव 5 to 10 seconds, उसमें जो जो आप शॉप कर सकती हैं कर लीजिएगा। ब्लॉग दिखाइए अपना। सो इनके चैनल पे एक ब्लॉग आ रहा है जहाँ भी ये केदारनाथ गई थी। इनको बीच में वॉइस ओवर ऐड करना है। अब देखो इनका लाइन है, कहते हैं कि बाबा जब अपने बच्चों को बुलाते हैं तभी उन तक कोई पहुँच पाता है। और देखो ये भगवान मैं भूल गया। आज आपकी बेटी आपके पास आ गई, ऐसा ठीक है चलिए। एंड रोलिंग एंड एक्शन। कहते हैं जब पापा अपने बच्चों को बुलाते हैं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आ ही गए। प्यारे बच्चे केदारनाथ में तुम्हारा स्वागत है। अरे बाप रे सुंदर ही लग रही हैं, पूरे दोपहर से गई हुई थी अभी आई हैं। भाई हिंदुस्तान में पार्लर बंद हो जाए सारी लेडीज घर में रहेंगी। वन लाइफ रजनीगंधा दाने दाने में ये रॉयल लुक सेंसा खाता है, सेंसा खाता है। एकता कपूर जी देख रही है तो इस घर को रिकॉर्ड करिए, मस्त एक सीरियल बनेगा आपका। एक से एक दो दो मिनट में अलग अलग कैरेक्टर चेंज होता है, तमाम लोग आते हैं। बोलिए मेरे को कोने में रख दीजिए घर में। तीन पैंट चुराई हुई है ये आपका है ना? मैं बोला था लड़कों वाला पैंट, लेकिन नहीं मेरा पैंट है। शेयर किया आपने कुछ लिखा क्यों नहीं? यहाँ का टैग पढ़ के बता दो वापस। देखिए यहाँ पे पहले चार्जर चोरी की बात हो रही थी, अब बात हो रही है पैंट चोरी की। पापा मम्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मम्मी ने इनका पैंट चुरा लिया। मेरा पैंट चुराने का क्या लोगी? हाय बाबा तू
चुराने का चुटिन क्या लोगी तो? जी नहीं। आप कब से लेडीज पैंट पहनने लग गए? पापा कब से लेडीज पैंट पहनी है? वही पहनते हैं क्या? क्या लड़की वाला? हाँ, उससे भी खतरनाक तो वीडियो बनाने वाला पैंट उससे घटिया था। लड़की के जैसा पैंट पहना हुआ है। ये खराब लग रहा है पैंट बताइए। नहीं लग रहा लड़की जैसा। मेरे दीदी के अनेकों रूप, जितने कपड़े उतने रूप। भाई मैं ना देख लो मैं सब क्या कर रही हूँ। मेरे ऊपर से चादर नाप रही है देख। तो कौन बोला? कौन बोला क्या? सो गाइस सुबह से शाम हो गया और व्लॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ गाइस। कल मैं रात को आया, मुझे बहुत जोर की नींद आई थी, इसलिए मैं सो गया चुपचाप से, मैंने कुछ शूट नहीं किया। अभी मैं जस्ट उठा हूँ थोड़ी देर पहले और मैं भी चलता हूँ, अपने बाकी काम खत्म कर लेता हूँ। आप भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने व्लॉग देखा, बहुत सारा प्यार। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। जाते जाते।